अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एक्चुएटर। एक्चुएटर हमारे पास क्या है? एक आउटपुट डिवाइस अच्छा, अब बात आती है एक्चुएटर है क्या। एक्चुएटर हमने अभी पढ़ा था एम्बेडेड सिस्टम के अंदर। एक्चुएटर एक मोटर होती है। किस टाइप की मोटर? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मोटर। और इसका फंक्शन क्या था? किसी भी चीज को ऑपरेट करना, किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करना या कंट्रोल करना। सही है। नहीं, एक्चुएटर में हमारे पास इतनी ज्यादा डिटेल्स है नहीं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है। ये नॉर्मली आता है मैचिंग वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चंस नहीं आते जिनके अंदर बॉक्सेस बने हुए होते हैं, इधर एक डिवाइस दी हुई होती है, इधर उसके यूजेस या फंक्शंस होते हैं और मैच करना होता है, ये वैसे क्वेश्चंस के अंदर आता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच इज यूज टू सर, आप थोड़ा ऑपरेट। स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? ओके, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच यूज टू ऑपरेट और कंट्रोल समथिंग, फॉर एग्जाम्पल वेल्व या फिर कन्वेयर बेल्ट। सही है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। इसकी हमारे पास कोई वर्किंग वगैरह है नहीं। अच्छा, ये होता किस टाइप का है? ये हमारे पास इस टाइप की एक मोटर होती है। इस टाइप की मोटर के अंदर हमारे पास ये लगा हुआ होता है। ये जो पार्ट होता है ये कनेक्ट होता है किससे? डिवाइस से। कन्वेयर बेल्ट के अंदर ये यूज होता है, वेल्व के अंदर यूज होता है, और भी बहुत सारी चीजें जो होती है ना, रिले वगैरह, रिले स्विच, उन सब के अंदर ये यूज होता है। या फिर जो बैरियर्स होते हैं, हम लोग देखते हैं अक्सर जो बैरियर लगे हुए होते हैं टूल प्लाजा पर, और वो बैरियर क्या अप और डाउन हो रहे होते हैं, ये उन बैरियर्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह हमारे पास चीजें। ओके अच्छा, ये जो हमारे पास एक्चुएटर है ना, ये एक्चुएटर कन्वेयर बेल्ट्स के अंदर यूज होता है। कन्वेयर बेल्ट्स क्या है? ये हमारे पास नॉर्मली लगी हुई होती हैं एयरपोर्ट्स के अंदर और दूसरी जगहों पे, सुपरमार्केट्स के अंदर जो बेल्ट्स लगी हुई होती हैं, जहां से हम जिसपे सामान रखते हैं अपना, उधर ये एक्चुएटर यूज होता है। ठीक है, जो ये पार्ट है एक्चुएटर का, इसका पर्पज ये है कि ये पार्ट कनेक्ट करता है किधर से? डिवाइस से एक्चुएटर को। ठीक है, ये था वो पॉइंट। ओके सर। अच्छा, अब जो हमारा अगला टॉपिक है ये है लाउड स्पीकर्स। या फिर हम इसको एक और वर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं, वो है क्या? हेडफोन्स।
अच्छा, अब हेडफोन की मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लैपटॉप पे कोई चीज देख रहा हूँ या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ, उसमें मैं क्या करूंगा, अपना हेडफोन कनेक्ट करूंगा अपने पीसी पे या लैपटॉप पे और उसको पेयर कर लूंगा। अब जो हेडफोन होगा वो क्या करेगा, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेरी वॉइस होगी वो मेरे एयर्स में आएगी। ठीक है, वो कैसे आएगी, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो वॉइस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं या डिजिटल डेटा होता है। हेडफोन क्या करेगा, इस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल साउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, एनालॉग डेटा। तो किसमें ये कन्वर्ट करेगा, एनालॉग डेटा के अंदर या साउंड में? ठीक है, थ्रू अ कन्वर्टर विच इज नोन एज डीएसी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये इसकी वर्किंग बिल्कुल सेम है किससे, एडीसी से। एडीसी में क्या हो रहा था, साउंड कन्वर्ट हो रही थी डिजिटल डेटा में, किधर, माइक्रोफोन्स के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिजिटल डेटा कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, एनालॉग डेटा में, साउंड में। सही है, यस सर। ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी और इसकी डेफिनेशन मैं लिखवा देता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस पर। सबसे पहला एडवांटेज इसका हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स दी बैकग्राउंड साउंड। मतलब क्या कि जब फॉर एग्जाम्पल बगैर हेडफोन के जब मैं कोई सी भी चीज देख रहा हूँ या डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि जो बैकग्राउंड साउंड होगा ना वो मुझे बार बार क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। लेकिन जब मैं हेडफोन वेयर कर लूंगा तो उससे क्या होगा कि जो बैकग्राउंड साउंड होगा वो क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा या वो जो है ब्लॉक हो जाएगा। सही है। दूसरी चीज, ये पोर्टेबल होते हैं, ये मैं कहीं पे भी कैरी कर सकता हूँ। थर्ड, इसकी साउंड क्वालिटी को एनहेंस करता है। सर, कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट अगेन? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सर आप जो है ना कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, सही है। जी, सर अब जो है आपके पीछे कोई, मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक गुजर रहा है या कोई शोर हो रहा है बस, सही है। अब जो है आपको उस वीडियो की आवाज सही से सुनाई नहीं दे रही, समझ नहीं आ रही हो जो भी वीडियो बनाया जिस बंदे ने वो क्या बोल, सही है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है हेडफोन वेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी आपका बैकग्राउंड साउंड होगा यानी आपके पीछे कोई सी भी नॉइज होगी वो कैंसिल आउट। समझ आया? यस सर, आई अंडरस्टूड। सर योर वॉइस इज लैगिंग अ लिटिल बिट। अच्छा, सही है, जी सर। ओके। अच्छा, अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस में हमारे पास सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि
जो हेडफोन होते हैं ना उसमें लाउड साउंड आती है और डायरेक्ट हमारे एयर में साउंड साउंड आती है, उसकी वजह से क्या होता है, हेयरिंग लॉस होता है, यानी एयर इन्फेक्शन हो जाते हैं, हेयरिंग लॉस होता है। सही, ये दो इसके क्या है डिसएडवांटेजेस। ओके सर, अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, ये क्या है, प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन को डिस्प्ले करती है किसी लार्ज स्क्रीन पे या वॉल पे या फिर इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पे। सही है, प्रोजेक्टर आपने नॉर्मली देखा होगा, स्कूल्स वगैरह में यूज होता है और भी थिएटर में यूज होता है, सिनेमा में यूज यस होता है, जगहों पे। ये जी सर, दो टाइप के प्रोजेक्टर हैं हमारे पास सिलेबस में। सबसे पहला है एलसीडी प्रोजेक्टर, दूसरा है डीएलपी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर हमारे पास क्या है, एलसीडी प्रोजेक्टर एक ऐसा प्रोजेक्टर है जो कि यूज करता है प्रिज्म और ये थोड़ा लो क्वालिटी डिस्प्ले देता है। सही है, प्रिज्म का क्या मतलब हुआ, कोई सा भी 3D ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म। अच्छा, हमारे पास प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कोई सी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म, यानी वो कोई भी 2D शेप का 3D ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ट्राइंगल का एक प्रिज्म बनाया है, ठीक है, यस सर, इस प्रिज्म को कंसिडर करते हुए जो 3D जो हमारे पास इमेज बनेगी ना, वो किससे बनेगी, इस प्रिज्म से। वो इमेज अभी मैं तुम्हें दिखा दूं कैसे बन। ठीक है, ये हमारे पास बैक साइड हो गई इसकी, ये हमारे पास इसकी बैक साइड हो गई, ये हमारे पास इसकी फ्रंट साइड हो गई। सही है, फ्रंट साइड के यस ऊपर मैंने क्या लिखा है, प्रिज्म। अच्छा, अब इसकी वर्किंग देखो, यहाँ पे हमारे पास है वॉल, सर व्हाट डज दी स्मॉल सर्कल्स इंडिकेट? दीज आर जी आरजीबी पार्टिकल्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू पार्टिकल ओके सर, ऑफ अ स्क्रीन। ओके सो सर, दीज पार्टिकल्स फ्रॉम द बैक साइड, दीज पार्टिकल्स विल इंटरैक्ट विद द प्रिज्म, ऑल थ्री ऑफ देम। In this way, okay, and all these of them will then be separated. For example, like this, all blue particle will be synchronized in a single line, all the green particle will be separated and synchronized in a single line, all red particles will also be separated and synchronized, and the image will form on a wall. ओके सर, सही है,
समझ आया एलसीडी का क्या था? तो डीएलपी प्रोजेक्टर के अंदर हमारे पास क्या होता है, माइक्रो मिरर्स लगे हुए होते हैं। अच्छा, एलसीडी प्रोजेक्टर जो है ना, ये चीप होता है एज कम्पेयर टू डीएलपी प्रोजेक्टर। डीएलपी प्रोजेक्टर के अंदर हमारे पास माइक्रो मिरर्स लगे हुए होते हैं, यानी ये जो इसका प्रोजेक्टर होगा ना, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हमारे पास क्या लगे हुए होंगे, मिरर्स लगे हुए होंगे, जिसके ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब पहले स्ट्राइक करेगी लाइट इन दिस वे, उसके बाद लाइट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है लाइट क्या हो रही है, बेंड। या तो लाइट स्ट्रेट पास करेगी, सही है, उसको रिफ्रैक्शन नहीं कहते। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग। कोई सी भी लाइट रे या साउंड जो है ना बेंड करता है, उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स में। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को। अच्छा, डीएलपी प्रोजेक्टर के अंदर हमारे पास 16 मिलियन डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन डीएलपी प्रोजेक्टर में हमारे पास कितने थे, सिर्फ 3 थे, रेड, ब्लू और ग्रीन। जो भी इमेज एलसीडी में बनेगी वो किससे बनेगी, ब्लू, ग्रीन, रेड से। और जो 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 सी भी इमेज बनेगी डीएलपी में, वो 16 मिलियन डिफरेंट कलर से मिलकर बनेगी, ठीक है। इसीलिए इसकी जो कलर क्वालिटी और जो इमेज क्वालिटी है वो सब क्या है, हाई है। और ये एक्सपेंसिव होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या लगे होते हैं, मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स। Sir, what? Okay, sir. What does the term DLP stands for? द टर्म डीएलपी इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स। अच्छा, डीएलपी का ना मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे होता है काम। Okay, डीएलपी sir. प्रोजेक्टर में हमारे पास एक लेंस लगा हुआ होगा, इस टाइप का क्या लगा हुआ होगा, लेंस। इसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। और इस कॉनकेव लेंस के अंदर हमारे पास छोटे छोटे मिलियन ऑफ माइक्रो मिरर्स लगे हुए होंगे। सही है, ऐसे करके। ओके सर, ठीक है, यहाँ पे भी बीच में भी सारे लगे हुए होंगे लेंसेस। और यहाँ पे हमारे पास होगी क्या, स्क्रीन, ठीक है। जो सी भी हमारी लाइट रे होगी या लेजर होगी, वो जब स्ट्राइक करेगी इन लेंसेस के ऊपर, तो वो क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, और पूरी स्क्रीन के ऊपर जो है क्या शो करेगी हमारे, हमें पिक्चर या जो भी चीज हम देख रहे होंगे वो स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन हमें किधर शो करेगी, वॉल पे या कुछ, कोई सी भी स्क्रीन वगैरह पे। सही है, ठीक ओके सर, आई अंडरस्टूड। है। अब आते हैं एलसीडी में। एलसीडी की वर्किंग मैंने करवा दी थी, इसके मैं थोड़ा सा एक पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट, वो मैं तुम्हें लिख के दिखा।
सही, ये एलसीडी प्रोजेक्टर की जो वर्किंग है ना, ये आ सकती है इस दफा। तो ये देख लेना, इसको याद कर लेना। ओके सर। ठीक है, इसकी इमेज ऊपर है। गेरी, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पर। सबसे पहले डीएलपी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डीएलपी का जो सबसे पहला एडवांटेज है हमारे पास, वो ये है कि इसकी जो लॉन्गेविटी होती है, या हम इसको कह सकते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ज्यादा देर तक चलता है, रिलायबल है। या फिर हम इसको कह सकते हैं ड्यूरेबल। दूसरा एडवांटेज है हाई क्वालिटी है, ड्यू टू 16 मिलियन कलर्स। अच्छा, ये जो है ना स्मॉल साइज का होता है एज कम्पेयर टू एलसीडी। एलसीडी जो है वो एलसीडी प्रोजेक्टर हमारे पास वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, उसको कंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस का हमारे पास ये है कि इसके अंदर जो कलर डेफिनेशन है ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अच्छा, ये जो कलर डेफिनेशन है ना, इसका मतलब होता है कलर आउटपुट या कलर की ब्राइटनेस। तो इसके अंदर इतनी ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस नहीं है कलर की, जो डीएलपी प्रोजेक्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ओके सर। अच्छा, दूसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर रेनबो शेड्स आते हैं। मतलब कि जो इसका शेडो टाइप चीज होती है ना, वो इसके अंदर रेनबो शेड्स आते हैं। मतलब ग्रे इफेक्ट नहीं आता, वो देखने में ऐसा लग रहा होता है कि ना रेनबो शेड्स है, जैसे सीडी के पीछे होते हैं ना रेनबो शेड्स वैसे। ओके सर। सही है, तो इसके दो डिसएडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं हम एलसीडी पे। एलसीडी का पहला एडवांटेज है हमारे पास कि एलसीडी की जो इमेज होती है ना, वो क्या होती है, शार्प होती है। एलसीडी का दूसरा वो है हमारे पास एडवांटेज कि इसकी जो कलर सेचुरेशन होती है ना, अच्छा कलर सेचुरेशन, ये कलर सेचुरेशन इसके अंदर क्या होती है अच्छी, वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा एलसीडी प्रोजेक्टर है वो क्या यूज करता है, आरजीबी, सही है, रेड ग्रीन और ब्लू पार्टिकल्स। और जो कलर सेचुरेशन होती है ना, वो डिपेंड करती है आरजीबी पार्टिकल्स के ऊपर, क्योंकि ये आरजीबी पार्टिकल्स ही यूज करता है, इसलिए इसकी जो कलर सेचुरेशन होती है ना वो अच्छी होती है। और तीसरा, इसके अंदर ओवर हीटिंग प्रॉब्लम्स नहीं आती।
सही है। अच्छा इसका डिसएडवांटेज सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसके जो कंट्रास्ट रेशियो है ना वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू डीएलपी। और ये जो है ना मतलब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, नॉट ड्यूरेबल। सही है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। अभी तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है। अच्छा अब हम आ रहे हैं मॉनिटर्स के ऊपर। Sir, can you zoom out so I can see the points? तो ये हमारे पास हायर रिफ्रेश रेट होता है इसके अंदर। हायर रिफ्रेश रेट का क्या मतलब, ये जो हायर रिफ्रेश रेट होता है ना इसका ये मतलब होता है कि बार बार जो हमारा एलसीडी है वो बार बार चीजें रिफ्रेश कर रहा होता है, या जो आरजीबी पार्टिकल जा रहे होते हैं ना उसको बार बार रिफ्रेश कर रहा होता है ताकि एक न्यू इमेज हर दफा क्रिएट हो सके। इसलिए ये किसका डिसएडवांटेज है कि बार बार रिफ्रेश कर रहा होता है तो थोड़ा बहुत डिले आता है इसके अंदर। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर बैकलाइट सिस्टम होता है जो कि जब ओल्डर हो जाता है यानी पुराना हो जाता है तो उसका कलर फेड होने लगता है, यानी इन अ लॉन्गर रन फॉर एग्जाम्पल 10 साल के बाद या 15 ईयर्स के बाद अगर हम देखें तो हमारा जो एलसीडी होगा उसकी जो इमेज क्वालिटी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कलर फेड हो रहे होंगे। चलिए उसके बाद मोशन ब्लर इफेक्ट आता है। मोशन ब्लर इफेक्ट क्या होता है कि कोई सी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा मूव करेगा स्क्रीन पे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये जब भी मूव करेगा स्क्रीन पे इसके बैक साइड पे एक ब्लरी इमेज क्रिएट हो जाएगा इसका। उस ब्लरी इमेज को हम क्या कहते हैं? मोशन ब्लर इफेक्ट। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एलईडी। एलईडी के अंदर ये सारी चीजें नहीं होंगी, ये एक डायोड टाइप चीज होती है, इसके अंदर ये बैकलाइट सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो जो एलईडी स्क्रीन होती है ना उसके अंदर भी ये क्या करती है, बैकलाइट सिस्टम ही प्रोवाइड कर रही होती है। इसके एडवांटेजेस हैं, इसमें विविड कलर आते हैं,
विविड कलर का मतलब जो कलर्स होते हैं ना वो सही से हमें मतलब नजर आ रहे होते हैं, विविड होते हैं, डार्क होते हैं। अच्छा, उसके बाद जो एलईडी होता है सर वो, सर विविड मींस बेसिकली ब्राइटर एंड कलरफुल. यस। अच्छा, ये ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। आफ्टर दिस इट कंज्यूम लेस एनर्जी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट होता है वो ये सेव करता है। उसके बाद इसके अंदर भी क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन। सही है, तो ये इसके चार क्या थे, एडवांटेजेस। अच्छा, इसी तरह क्योंकि ये बैकलाइट सिस्टम प्रोवाइड करता है ना, इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे जैसे हमारा एलईडी पुराना होता है ना, इसका जो कलर है वो शिफ्ट होने लगता है टेम्परेचर और एज की वजह से। ये हम कह सकते हैं स्लाइटली फेड हो रहा होता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है। सही है, समझ आ गया। ठीक, यस सर. अभी तक कोई क्वेश्चन है? सही, अभी हमारा नया जो टॉपिक है ये है ओएलईडी, हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओएलईडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, ओएलईडी जो है वो कर्व स्क्रीन होती है। सही है, फॉर एग्जांपल ये ऐसी स्क्रीन होगी। सर ओलेड स्क्रीन्स आर यूजुअली मेड आउट सॉरी सॉरी, सर ओलेड स्क्रीन्स आर यूजुअली मेड आउट ऑफ ग्लास. यस, वी कैन से दैट ग्लास एंड थिन पैनल्स एज वेल। अच्छा, ये इसकी जो एक स्क्रीन होगी वो क्या होगी, हमारे Subscribe to पास CS by Hamza if कर्व you स्क्रीन find होगी any value ओएलईडी in it. सिस्टम की। Thank you for watching. न्यू न्यू जनरेशन में या जो न्यू हमारे पास अभी सिस्टम्स आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, कर्व आ रहे हैं, वो कौन से हैं, ओ एल ई डी सिस्टम्स हैं। अच्छा, इसके हम देखते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इसके अंदर पैनल लगा हुआ होता है जो कि बहुत ज्यादा थिन होता है, इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कह सकते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, सबसे पहला कि ये थिन होता है, दूसरा पिक्चर्स कैन बी सीन फ्रॉम एनी एंगल, मतलब अगर कोई, क्योंकि ये जो है ना कर्व जो पिक्चर है वो क्लियर नजर आएगी। सही है, ये ओएलईडी की क्या है ओके बेनिफिट। और लास्टली ये क्या होता है, लाइट वेट, जिसके तीन एडवांटेजेस थे। अब आते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका हमारे पास ये है कि जो ओएलईडी डिस्प्ले होता है ना वो पेल होता है, थोड़ा सा पेल टेक्नोलॉजी होती है उसकी। हाँ,
थोड़ा सा फेडेड कलर होता है, पेल कलर, लाइट कलर्स होते हैं इसके अंदर, ब्राइटर कलर्स नहीं होते। सही है। दूसरा क्या है इसके अंदर? एवरेज ब्राइटनेस होती है। एलईडी डिस्प्ले की तरह है, या फिर अपना एलसीडी डिस्प्ले की, ये विविड कलर्स नहीं होते इसके अंदर। ये इसके क्या थे डिसएडवांटेजेस? ठीक है। अच्छा, ओएलईडी के अंदर जो है ना सबस्ट्रेट्स यूज होते हैं। लेकिन ओएलईडी क्योंकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो उसके अंदर क्या यूज करते हैं हम? सबस्ट्रेट्स। ये जो है ना नॉर्मली प्लास्टिक के बने हुए होते हैं सबस्ट्रेट्स, तो ये इस वजह से यूज करेंगे, फ्लेक्सिबल होता है कि कहीं टूटे ना, इस वजह से। सही है। अभी यस सर। तक कोई क्वेश्चन? नो सर।